नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं दोस्तों, चाहे वो कक्षा 10 के हों, आईटीआई को हों, या कक्षा 12 के हों, या फिर डिप्लोमा ग्रेजुएशन कुछ भी कर रहे हों, तो दोस्तों आप लोगों का जो स्कॉलरशिप है दोस्तों वो आनी शुरू हो चुकी है। और आप लोग दोस्तों करना क्या है कि आपका जो भी बैंक अकाउंट है आप उसे दोस्तों जाके चेक कर लें, आपका हो सकता आया और नहीं आया है, तो आप लोगों करना क्या है कि वेट करना है और आपका जो है वो आ जाएगा। देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जब आप लोग आएंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि 21.66 लाख अभ्यर्थियों के खातों में भेजी गई छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप, आपको कितना छात्रवृत्ति या धनराशि मिला यहाँ से चेक करें। तो यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं, या फिर दोस्तों यहाँ पर न्यूज वाले सेक्शन में जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर ये न्यूज आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 21.66 लाख अभ्यर्थियों के खातों में भेजी छात्रवृत्ति। अब देखिए यहाँ पर बताया कि उत्तर प्रदेश के छात्रों की, देखिए उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे ऑल इंडिया का दोस्तों आ चुका है, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। ठीक, ये देख सकते हैं कि समाज कल्याण विभाग की ओर से पूर्व दसम व दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत 21,66,000 अभ्यर्थियों के खाते में छात्रवृत्ति भेजी जा चुकी है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, बाकी अदर स्टेट का दोस्तों अलग अलग जो भी आंकड़ा है आप लोग देख सकते हैं। ठीक, अब वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के 21,66,298 अभ्यर्थियों को 1,316 करोड़ की राशि भेजी गई है। इसके तहत पूर्व दसम छात्रवृत्ति में देखिए 5,58,705 अभ्यर्थियों के लिए 88.18 करोड़ और दसमोत्तर छात्रवृत्ति में 16,07,593 अभ्यर्थियों के लिए 1,227.89 करोड़ की धनराशि भेजी राशि जारी की गई है। ठीक, विभाग के अनुसार सभी लाभार्थियों को उनके आधारित खातों में धनराशि भेजी गई, यानी कि जिससे आपका आधार कार्ड लिंक है उसी खाते में दोस्तों आपका पैसा भेजा गया है। केंद्र के निर्देश के अनुसार अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति के लिए 40% धनराशि व राज्य अंश व 60% केंद्र अंश विद्यार्थी के लिए खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजा जा चुका है। ठीक, वहीं अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले कुछ अभ्यर्थियों के आवेदन शिक्षण संस्थान की ओर से अग्रसित नहीं किए जा सके थे। ठीक, साथ ही साथ कुछ तकनीकी कारणों से कुछ छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं भेजी जा सकी है। तो देखिए स्कॉलरशिप कैसे चेक करना है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक लिंक मिल जाएगा कि अपना स्कॉलरशिप यहाँ से चेक करें। इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना चेक कर सकते हैं, या फिर दोस्तों सभी छात्रों की छात्रवृत्ति जो है आपको धनराशि अलग अलग देखने को मिल सकती है। स्कॉलरशिप चेक करने के लिए आपको आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते को चेक करना है। ठीक, और उसमें जाके चेक करिए आपको स्कॉलरशिप आया है या नहीं। तो ये आपको दोस्तों न्यूज देना था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कोई भी अपडेट हो दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अपना चेक कर सकते हैं। ठीक, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखिए यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड में रिक्रूटमेंट निकल कर आया, ऑयल इंडिया लिमिटेड में सेल बोकारो स्टील प्लांट में दोस्तों निकल कर वैकेंसी आया है, तो आप लोग इसे भरना चाहते हैं तो जाके भर सकते हैं। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।